नमस्कार, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोगराज। प्यार दर्शकों, बात करें हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया गया है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये जो ड्राइव है ये गरीब लोगों के पक्ष में है और बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके लिए ये ड्राइव है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए ये जो सरकार की जमीन जो है उसको इनक्रोच किया है इलीगल तरीके से, और वही जमीन जो है सरकार वापस कर रही है और लगातार सरकार गरीब लोगों को, आम जनता को ये आश्वासन दे रही है कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये बिल्कुल आम जनता के हक में है और गरीब लोगों के पक्ष में है। इसका नुकसान उन लोगों को है जिन्होंने अवैध तरीके से ये सरकारी भूमि जो है ये इस पर कब्जा किया है। तो बात करें हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, जो आज का एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो सरकार की तरफ से चलाया गया, और आज की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं, इसमें है आज जिला कठुआ में 448 कनाल से अधिक राज्य भूमि जो है वो सरकार ने वापस ले ली है, और अतिक्रमण विरोधी अभियान को जारी रखते हुए जिला प्रशासन कठुआ ने आज विभिन्न अवैध कब्जादारियों के चुंगल से 448 कनाल 10 मरला राज्य की भूमि पर कब्जा कर लिया है। यानी कि प्यारे दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि 448 कनाल और 10 मरला जो राज्य भूमि जो है सरकार ने वापस ले ली है, जिसके चलते आज जी मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि ये जो अतिक्रमण विरोधी टीम में आज राजस्व अधिकारी, पुलिस विभाग व अन्य विभाग शामिल थे, और इनके प्रयासों से आज प्राप्त की गई भूमि जो है, तहसील डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें कि डींगा अंब में, तहसील डींगा अंब में 280 कनाल 3 मरला राजकीय भूमि, इसके बाद 120 कनाल 19 मरला हीरानगर तहसील में। आगे बात करें हम तहसील नगरी परोल की, नगरी परोल में 17 कनाल और 4 मरला, इसके बाद लोहाई मलार की बात करें जिसमें 4 मरला 8 कनाल, और तहसील बसोली की बात करें जिसमें 8 कनाल, और तहसील महानपुर की बात करें तो 5 कनाल जो राजस्व भूमि जो है वो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने आज इन अवैध कब्जादारियों से वापस ले ली है, और इसमें अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के बाद, यानी ये जो जमीन है 448 कनाल, अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के बाद राजस्व टीमों ने भूमि की सरकारी भूमि के रूप में, इस भूमि में यानी के 448 कनाल 10 मरला जो लगभग 448 कनाल और 10 मरला जो भूमि है उसको सरकार ने वापस ले लिया है, और सरकार ने अपना बोर्ड लगा लिया है, स्टेट लैंड का बोर्ड जो है वो लगा लिया है।
प्यारे दर्शकों, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार पूरा ये जमीन वापस नहीं ले लेती है। और मैं आपको बार बार ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार का ये कहना है, हमारे एलजी साहब का भी ये लोगों को आश्वासन रहा है कि ये जो ड्राइव है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसमें गरीब लोगों को, आम जनता को घबराने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये जो एंटी ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये इन आम जनता के पक्ष में है, इनका नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकार की भूमि जो है अपने कब्जे में रखी। अभी सरकार दिन प्रतिदिन उसको वापस ले रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार का जी कहना है कि अभी भी बड़े बड़े मगरमच्छ, बिग बिग्स, अभी वो पीछे हैं, उनका भी नंबर आने वाला है। तो प्यारे दर्शकों, आप देखते रहिए कठुआ रियल न्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।